इंडियन टीम के अंडर 18 के कोच हैं सुरेंद्र कुमार जी, और हम लोग आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हैं जो कि वेलोड्रोम है, साइकिल वेलोड्रोम। ये इसका इतिहास है, 82 में बने थे जब एशियाड गेम्स हुए थे, तो हम लोग जब भी आए थे, और आज हमारा उसके बाद आज मौका हुआ। सुरेंद्र कुमार जी, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं इसराइल, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में रोशनी डालेंगे। हाँ, अभी हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है इसराइल के अंदर, तेल अवीव के अंदर हो रही है, जो कि 23 से 27 अगस्त तक है वहाँ के अंदर। तो हमारी टीम अभी कल यहाँ से निकलेंगे, हम कल शाम को रवाना हो रहे हैं यहाँ से। इसका कितने दिन चलेगी चैंपियनशिप? चैंपियन 5 दिन के लिए वहाँ पे टूर्नामेंट है। 23 से लोग आ रहे हैं? हाँ, पूरे वर्ल्ड की टीमें आ रही है वहाँ पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप है जूनियर की। तो वहाँ पे जैसे अभी इंडिया टीम से हम अभी 9 लोग जा रहे हैं यहाँ से, हमारे टोटल 13 लोग जा रहे हैं, 9 बच्चे जा रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स, जिसके अंदर 2 गर्ल्स है और 7 बॉयज़ है। तो वो उनके नाम भी बता दीजिए जो अपने इंडियन टीम। हाँ, जैसे हमारे इंडोरेंस ग्रुप के 5 बॉयज़ है, उसके अंदर पहले है मिस्टर नीरज एंड गुरनूर और आशीर्वाद, विवान और बिरजीत। ये 5 जो बॉयज़ है जो इंडोरेंस ग्रुप के, जो 4 किलोमीटर पर शूट चलाते हैं उस ग्रुप के हैं, और एक इसमें लड़की है जो पूजा धनोले है, वो भी इंडिविजुअल पर शूट चलाती है, इंडोरेंस ग्रुप की है। दूसरे हमारे स्प्रिंट ग्रुप के जो शॉर्ट इवेंट होते हैं 200 मीटर, 1 किलोमीटर, जैसे 500 मीटर, तो उस इवेंट के 3 बच्चे हैं, उसमें लव कुमार है, वारिस दीप है, और एक सदन्या कोकाटे है जो लड़की है। तो ये सभी जा रहे हैं। ये कहाँ के, अपने कौन से प्रदेशों से? ये कुछ बच्चे, इसमें 2 बच्चे जैसे हरियाणा से है, एक महाराष्ट्र, 2 महाराष्ट्र से है, एक तेलंगाना से है, और एक मणिपुर से है, एक पंजाब से है, एक राजस्थान से है। तो सभी अलग अलग स्टेटों से है जो बच्चे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग। जो हम लोग साइकिल देख रहे हैं, हाँ, तो ये जो स्पेशल साइकिल्स हैं जी, इसका भी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जो स्पेशल साइकिल है, जो अभी ये बच्चे यहाँ ट्रेंड हो रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया इनको प्रोवाइड करवा रही है, जो फैसिलिटी है सब इनका, बोर्डिंग लॉजिंग का, जो रहने का खाने का सब फैसिलिटीज़ दे रही है, जो साइकिल्स है वो पूरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी की इंडिया की तरफ से ही है, इनको स्पॉन्सर कर रखा है बच्चों को, तो सभी उसी मतलब साई की तरफ से है। और ये लोग जो अभी हमारे सामने जो बच्चे इधर हैं जी, तो ये लोग का कितना साल का इसमें साइकिलिंग में इनका प्रैक्टिस करें, कितने साल? कुछ बच्चे हैं जो मतलब 2 साल से लगे हैं, कुछ 3-4 साल से लगे हुए हैं, तो 4-4 साल, 3-3 साल सबको हो गए, इतना तो हाँ, इससे कम कोई भी नहीं है जो ट्रेनिंग में कंटिन्यू भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो यहीं पे शुरू से 3 साल से या 4 साल से लगे हुए हैं, जो शुरू से है, तो वो इस लेवल पे। और ये बच्चे सारे एशियन मेडलिस्ट है, एशियन चैंपियनशिप अभी जून में हुई थी यहाँ पे अपना IG स्टेडियम में हुई थी, तो 18 से 22 जून तक थी, तो उसके अंदर ये सभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, और कुछ बच्चे 2-2 या 3-3 मेडल है एशियन चैंपियनशिप के अंदर, जिसके अंदर अपने मतलब एशिया की 18 से 20 टीमें आई थी कंट्री की। तो अच्छा, इनको हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जो भारत का नाम अभी जो झंडा लहरा रहे हैं, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव जी जी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो स्पोर्ट्समैन का काफ़ी उत्साह बढ़ा रहे हैं। जब भी वो जाते हैं, अभी जैसे कॉमनवेल्थ में गए थे, उससे पहले ओलंपिक्स में गए थे, तो मोदी जी उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ उनको हौसला बढ़ा करते हैं, तो इससे काफ़ी मेडल्स इंडिया ने जीते हैं इस वर्ष भी। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, जैसे जाने से पहले और आने के बाद भी। इसमें हमारी भी टीम गई थी कॉमनवेल्थ में, जो अभी लंदन में हो रहे थे पीछे, तो साइकिलिंग का भी टीम गया था, वो भी आए थे, वो भी अभी मोदी से रिसेंटली मिलकर आए थे कुछ दिन, 4-5 दिन पहले जो हुआ था, उसके अंदर प्रोग्राम रखा था उन्होंने। तो एक मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, और आगे मतलब फैसिलिटीज़ भी आगे बढ़ती है जब हमारे मिनिस्टर लोग हमें इसमें साथ देते हैं, उनको पता होता है, एक स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है ऐसा ऐसा है, और इतने कॉस्टली गेम है, तो उसमें बच्चा खुद से एफर्ट नहीं कर पाता है, तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। और ये होता है। धन्यवाद संजय अग्रवाल, और हमारे साथ अनूप सिंह जी हैं, धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलेंगे तो फिर छोड़ कर लेता हूँ इनका, छोटा सा हम लगा लेंगे। जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक बार स्टार्ट करेंगे, जस्ट आप हिंदी में बोलिए, कहाँ से हैं आप? कैसे पकड़ के रखूँ? हाँ, ऐसे रख लीजिए। हमारे साथ ये जो टीम जा रही है इसराइल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, जानकारी देंगे, आपका नाम और आप कब से साइकिलिंग स्पोर्ट्स में आए? मैं 2016 से साइकिलिंग स्टार्ट किया, ठीक है, और नाम नीरज कुमार है मेरा। आप कौन से स्टेट से आते हैं?
फतेहाबाद से। आपके कोच भी फतेहाबाद से हैं? हाँ, मेरे कोच भी मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हाँ। बट हरियाणा के अच्छे मेडल्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और लड़कियाँ ज़्यादा जीत रही हैं। हाँ, आपके हाँ। सहभागी इसमें काफ़ी लोग हैं, तो अभी आप लोग कितने, 9 लोग जा रहे हैं? हाँ, 9-10 लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या प्रिपेयर्ड हैं एकदम? हाँ, अच्छे प्रिपेयर्ड है, उधर जाके हमारा बेस्ट देंगे। बेस्ट देंगे। हाँ। आप लोग को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आपके एक और फ्रेंड हैं, इनसे भी एक बार आपका भी नाम बताएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देके। जी, मैं विवान सप्रू, महाराष्ट्र मुंबई में रहता हूँ। थोड़ा माइक पास, आई होल्ड इट, मैं चला जाता हूँ। जी हाँ, मैं विवान सप्रू, मुंबई महाराष्ट्र से, साइकिलिंग में 3 साल से कर रहा हूँ, और हम काफ़ी एक्साइटेड है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि हमारा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है। आपने जो साइकिलिंग चूज़ करा, तो क्योंकि इतने ज़्यादातर इंडिया में क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, आजकल खो खो लीग भी हो रहा है, तो आपने साइकिलिंग क्यों चुना? जी, मैं तो पहले बचपन से साइकिलिंग करता था, और एक दिन मेरे स्कूल के कोच ने मेरे को बोला कि रेस के लिए भी जाके देख ले, तो रेस खेल के मेडल जीत गया, और सर बोले कि पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। राइट, तो आप लोग एशियन मेडलिस्ट हैं अभी। हाँ जी। जो पीछे गेम्स हुए थे यहाँ पे। हाँ जी, जो आप लोग ने ब्रॉन्ज मेडल उसमें जीता। हाँ जी। और आपका जैसे अभी हम देख रहे हैं ये जो ट्रैक है, दिस इज 250 meters, तो इसमें जो आप लोग अभी लैप्स ले रहे थे, तो उसके अंदर आप लोग का कितना बेस्ट जो है? हमने टाइम एशियन चैम्पियनशिप में 4 kilometers के 4:19 में किया था। ओके। वो हमारा फिलहाल बेस्ट टाइम, तभी एशियन चैंपियनशिप में बेस्ट टाइम था। राइट। अभी हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक्सपेक्टेड है 4:16 या 4:15। राइट। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को जो नॉलेज रहती है ना, सब नहीं रहती, पूरी नहीं रहती, और क्योंकि आप इस गेम को फॉलो कर रहे हैं, तो आप किसी को फॉलो करते होंगे जो साइक्लिस्ट वर्ल्ड ओवर हैं, तो किसको फॉलो करते हैं आप? मैं एक इटालियन साइक्लिस्ट है, वो जो अभी फिलहाल वर्ल्ड चैंपियन है। क्या नाम है उनका? फिलिपो गाना है। ओके। तो वो काफ़ी सालों से हैं शायद? वो भी अभी मतलब ज़्यादा 4 या 5 साल से ही हैं। ओके। पर उन्होंने इतने कम टाइम में जो अचीव किया है वो किसी ने नहीं किया। अच्छा, क्या अचीवमेंट उनका रहा है? वो अभी लास्ट 3 साल से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत रहे हैं, और ऐसे जीत रहे कि वो अकेले बहुत आगे ही है। अच्छा, कहाँ होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें वो लोग भाग ले रहे हैं? हर साल वैसे चेंज होता है। इंडोर होता है या आउटडोर भी होते हैं? सेम ट्रैक्स भी होते हैं, सिमिलर। तो आप लोग का भी वो ट्रैक्स भी डिफरेंट होते हैं ना, जैसे टर्फ होता है, टर्फ डिफरेंट होता है, वुड का मटेरियल थोड़ा डिफरेंट होता है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट से हमें यूजुअली फर्क नहीं पड़ता कि इंडोर है, एयर कंडीशनिंग। राइट। बट हाँ, जो वुड का क्वालिटी है हर जगह काफ़ी अलग होता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्रिपी है। राइट। ये हमारा ट्रैक, तो इसमें थोड़ा स्पीड कम चलता है, क्योंकि ग्रिप ज़्यादा है। राइट। कुछ ट्रैक्स में ग्रिप कम है, पर जब उसमें रिस्क ये रहता है कि जब हम एकदम ऊपर चला रहे हैं उसमें काफ़ी आसानी से फिसल भी सकते हैं। राइट। पर उसमें स्पीड ज़्यादा रहती है। राइट। बचपन में हम लोग जैसे दशहरे के टाइम जो होता था मेला, उसमें एक मौत का कुआं होता था, तो वो देखते थे, एंड लगता था कि किसी दिन हम लोग भी इस तरह से करेंगे। आप लोग को, यू आर गुड। आपकी कितनी हाइट है? मैं 6'5" है। 6'5" है, क्योंकि हम लोग इधर देख नहीं पा रहे, बट मेरे को पता है कि आप आपकी टीम में शायद सबसे लंबे होंगे। और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप लोग क्या डाइट मेंटेन करते हैं? डाइट हमारी ज़्यादा नॉर्मल इंडियन फूड ही रहती है। ओके। मेनली पनीर ज़्यादा प्रोटीन के लिए। अच्छा, ओके। एंड कार्ब्स के लिए राइस एंड पोटैटो। राइट। एंड वेजी, वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन, नॉन वेज चिकन और मटन भी मिलता है। अच्छा, ओके। और एनीथिंग एल्स आप लोग शेयर करना चाहेंगे आज के युवा, यूथ के लिए? बिकॉज यूथ, यू नो, वी नीड टू गिव देम अ गाइडेंस। शेयर तो वही जो सब बोलते कि अपने ड्रीम्स फॉलो करने चाहिए। राइट। एंड कॉन्सेंट्रेट। राइट। मेहनत करेंगे तो इवेंचुअली अचीव होएगी। ओके। एंड आपके जो यू हैव अ इंस्टाग्राम और समथिंग? हाँ जी, पर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। अच्छा, नहीं, मैं भी नहीं यूज़ करता, मेरे को एकदम दिमाग में आया। तो एनीवे, थैंक यू सो मच। एंड आपके जो दूसरे टीम मेंबर्स हैं उनको भी हम लोग अभी मिले हैं, और एक दो लोगों से और मिलेंगे। एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी टू यू। थैंक यू।
लेकिन कभी कर लेते हैं कि कहाँ से हैं आप? हरियाणा। हरियाणा फतेहबा। हाँ जी। ओके गुड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम। आपका भी लेना है किलो साइकिल, नाम ही बताना बस, हम लोग आपको वो जा रहे इसका। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, नाम तो बता दो, नाम 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 कैप्चर तो हो गया। अच्छा नहीं, इंग्लिश इंग्लिश, व्हाट्स योर नेम? नेम नेम, माय नेम इज रेजिया। ओके, व्हिच प्लेस यू फ्रॉम? मणिपुर। मणिपुर, ओके गुड, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। We want you to see like Mirabai Chanu, and we want to see like Marie Kom and all the women athletes. Well, the best. Thank you. Hi. Hi. Hello. Can I help you? Yes. Yep, yep, yep. I also want to do the cycling. Earlier we had done cycling in childhood. But now, so we karte hain. And this is always a dream which is always unfulfilled. Aap kahan se hain? भगवान ने आशीर्वाद दिया है, एंड दे आर गोइंग फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स व्हिच आर हैपनिंग एट इजराइल, टेल एविव। या टेल एविव। सो व्हाट्स योर हाइट? आई एम 6'1", 185 सेंटीमीटर्स। ओके, वेरी गुड। सो हाउ डू यू फील इन द बीइंग द टीम इंडिया? या आई मीन आई जस्ट जॉइन द टीम इन द जून फॉर द एशियन चैंपियनशिप, एंड देन दिस इज माय फर्स्ट ईयर एज अ जूनियर, एंड इट्स एक्साइटिंग। Okay, and you were also part of the Asian medalist? Yeah, yeah, I am. Okay, so you won a bronze? Yeah, we won a bronze. Okay, so that's great. So you feel all good by going now? Yeah. Tomorrow you're flying? Yeah, we're flying tomorrow. Okay, nine of you? We have five of the endurance group. Endurance team. Yeah. Yeah, yeah. And about the cycle, I see this is something different than the other bikes. Yep. So these are not Indian bikes. These are manufactured all across, but unfortunately we don't have an Indian brand yet. Let's see. In the future. So you're learning how to open up and all? Yeah, we already cycle, know. Cycle, everything. Yeah, yeah. And I was told that wheel bhi aap change kar le rahe. Haan, we use a different wheel in the competitions. Okay. Yeah. Yeah, and what size is it, the wheel size? It's a 27C. It's how the bike's wheel is measured. Okay. Yeah. All right. So I think wish you all the best. Yeah, thanks. Thank you. Thanks so much. See you then when you all come back. Yeah, yeah? Sure. Thank you.